सब्सक्राइब कीजिए सरबजीत एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, आज मैं मशीन एम्ब्रॉयडरी में मिरर वर्क हम कैसे कर सकते हैं ये बताऊंगी। इसके लिए हम कोई भी मिरर, जो आपको मिरर वर्क करना है जिससे, उसको हम अपने डिज़ाइन में इस तरह से रख के जो भी हमने पैटर्न या कुछ भी बनाना हो उसकी आउटलाइन कर लेंगे मिरर की। ऐसे रख के इसकी पूरी आउटलाइन करने के बाद हम इसको, इससे जो आउटलाइन हमने करी है उससे अंदर की तरफ रनिंग स्टिच से थोड़ा छोड़कर इस तरह से आउटलाइन कर लेंगे रनिंग स्टिच से। इसको दो या तीन बार हम इसकी आउटलाइन कर सकते हैं। इस तरह से आउटलाइन करने के बाद हम जो इसके सेंटर वाला कपड़ा है उसको हम काट देंगे। यहाँ से इसको अच्छी तरह से किनारे किनारे की, इसके धागे जो हैं वो बाहर दिखाई ना दे, इसको अच्छी तरह से काट देंगे। को काटने के बाद हम जितना ये पैटर्न है उसकी बैक साइड पे लगाने के लिए हमें इतना फैब्रिक का टुकड़ा लेना है, और इसको हम ये मिरर वर्क करने के लिए इसके ऊपर कोई भी गम लगाकर इसको हम चिपका देंगे कि मिरर जो है अपनी इस जगह से हिले नहीं। इस तरह से इसको चिपकाने के बाद जो हमने आउटलाइन करी है उसके ऊपर हम इस तरह से साटन स्टिच जो है मशीन से करेंगे। इसके फैब्रिक के जो लुए हैं उसको हम अच्छी तरह से छुपा देंगे एम्ब्रॉयडरी करते करते कि वो दिखाई ना दे। इस तरह से बनाने के बाद जो मिरर हमने गम के साथ फैब्रिक पे चिपकाया है उसको इसके बैक साइड पे बिल्कुल सेंटर पे लाकर इस तरह से इसमें सेट कर लेंगे, और उसके बाद इसकी आउटलाइन करने के लिए हम मशीन को धीरे धीरे से ऐसे देख देख के कि जो नीडल है वो मिरर के ऊपर ना लगे, इस तरह से इसकी आउटलाइन करेंगे। अगर नीडल जो मिरर के ऊपर लग जोर से लगेगी तो वो टूट जाएगी, इसलिए बहुत ही आराम से धीरे धीरे हम इसकी आउटलाइन करेंगे। इस तरह से एक आउटलाइन में एक सर्कल बन जाएगा,
और उसको हम दोबारा से रनिंग स्टिच में इस सर्कल को धीरे धीरे से मशीन चलाकर सर्कल के बाहर बाहर ही रखेंगे कि नीडल जो है मिरर पे ना लगे। उसको हम एक मजबूती दे देंगे कि मिरर जो अपनी जगह पे हिले ना। उसके बाद हम इसको किसी भी डिज़ाइन में डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे रनिंग स्टिच में हमने ये बनाया हुआ है इसकी साइड्स पे। इस तरह से डिज़ाइनिंग करने के बाद जो रनिंग स्टिच से हमने आउटलाइन करी है उसको भी हम साटन स्टिच से जो है वो और डेकोरेट कर लेंगे। इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग हो जाएगी। इसी तरह से ये जो मिरर वर्क है वो कंप्लीट हो जाता है। पूरा पैटर्न जो है हम इसी तरह से बना सकते हैं। और किसी भी डिज़ाइनिंग में किसी भी शेप में हम मिरर वर्क को इस तरह से मशीन से बहुत इजीली बना सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।